नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज कुमार और मेरे YouTube चैनल नीरज कुमार ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस जगह पर हूं, यह है इंदिरा गांधी मेमोरियल दिल्ली। दोस्तों, अभी मैं इस जगह हूं। दोस्तों, यहां आने के लिए अगर आप मेट्रो से आते हैं तो येलो लाइन मेट्रो आपको पकड़नी होगी और लोक कल्याण मार्ग आप उतरकर वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर इंदिरा गांधी स्मृति जो है, यह जगह उनका निवास स्थान यहाँ पर मौजूद है और आप आराम से वहाँ से 10 मिनट पैदल चलकर भी आ सकते हैं या थ्री व्हीलर करेंगे तो 40 रुपये मात्र वो लेगा और आपको यहाँ पर लाकर छोड़ देगा। यह है बाहर बोर्ड लगा हुआ है जहाँ से एंट्री होती है, उसके पास में ही यह बोर्ड लगा हुआ है। इससे थोड़ा सा आगे हम चलेंगे तो यहाँ से एंट्री होगी और दोस्तों यहाँ पर एंट्री फ़ीस कोई नहीं है, यहाँ की एंट्री बिल्कुल फ्री है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंटर करते ही इंदिरा जी की व परिवार के सभी सदस्यों की फ़ोटो तस्वीरें लगी हुई हैं। यह है उनके बचपन की तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। इस तस्वीर में किस तरह से वो महात्मा गांधी जी के पास बैठी हुई हैं आप नीचे देख सकते हैं पढ़कर। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी साड़ी और सामने फ़ोटो लगी हुई हैं, नीचे उनके बर्तन रखे हुए हैं जिनमें वे खाना खाया करती थी। यहाँ पर उनके द्वारा जो पेपर में न्यूज़ आती थी देश विदेश की, वो सभी इस हॉल में दीवार पर लगाई गई थी। जिस भी देश में वह जाती थी तो उनको इस प्रकार की भेंट प्रदान की जाती थी। दोस्तों, इस कमरे में जो सामान उनके प्रयोग में आते थे वो रखे हुए हैं, जैसे ये स्वेटर बुनने के गोला और जो सलाई होती है वो रखी थी और ये मेज़ पर भी यहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ है। ये उनके कपड़े जैसे के तैसे लटके हुए हैं, वो जो कपड़े पहनती थी वही कपड़े, और ये मेज़ पर सामान रखा हुआ है, सारा जूते वगैरह इस तरह लगे हुए हैं जैसे। इस कमरे में शायद वह अपने दफ्तर के कार्य वगैरह इसी रूम में, इस तरह की किताबें रखी हुई हैं बहुत सारी और ये उनकी कुर्सियाँ, इधर भी सामने रेस्ट आराम करने के लिए एक बेड लगा हुआ है सिंगल, और ढेर सारी किताबें। उनका ये सब सामान देखकर, ये कुछ खेलने की चीज़ें रखी हुई हैं, सामान देखने से ऐसा लगता है दोस्तों जैसे उन्हें बहुत ही सादा जीवन पसंद था। कपड़े वगैरह बिल्कुल सूती, चद्दर वगैरह सब सूती लगी हुई है उनके कमरे में। और ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये टीवी रखा हुआ है सोनी का। उस दौर में घरों में टीवी होना तो बहुत बड़ी बात थी। ये कमरा राजीव गांधी जी का है और यहाँ पर सोनिया गांधी जी और राजीव गांधी जी की बहुत ही प्यारी सी तस्वीर लगी हुई है। ये स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के रूम के साथ में राजीव गांधी जी का रूम, उनके कपड़े, उनका लैपटॉप और ये तस्वीर साथ में लैपटॉप के पास में रखी हुई है। यहाँ पर उनकी फ़ोटो और दोस्तों ये देखिए उनके कपड़ों के किस तरह से चिथड़े एकदम से हो गए थे जब बम ब्लास्ट में उनके ऊपर इस तरह का भयानक हमला हुआ था जिससे पूरा देश दहल उठा था। दोस्तों, ये बहुत ही दर्दनाक घटना घटी उस टाइम, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह का अटैक। ये उनके जूते, उनके जुराबें। दोस्तों, यह सब देखकर मन बहुत भावुक हो गया। ये यहाँ पर इंदिरा जी का पूजा रूम, इस तरह से यहाँ पर सामान रखा हुआ है उनका पूजा करने का। माचिस भी दोस्तों बिल्कुल उसी टाइम की रखी हुई है, एकदम पुरानी हो रखी है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ये जो पूजा
पूजा की प्लेट है, इसके साथ में जो माचिस रखी हुई है वो बहुत ही पुरानी लग रही है देखने में बिल्कुल। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का ये शयन कक्ष हुआ करता था और रूम को देखकर ही बिल्कुल, ये देखिए मुर्दा यहाँ पर रखा हुआ है। बहुत ही सादा ज़िंदगी उन्होंने जी, और ये यहाँ पर पंखा है और लाइटें लगी हुई हैं, छत काफ़ी ऊंची है, ये पीछे बेड के ऊपर ये चार लाइटें इस साइड में लगी हैं, और यहाँ पर जो है परिवार की तस्वीरें लगभग सभी की लगी हुई हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं नीचे किताबें बहुत सारी रखी हुई हैं, और ये चेयर है, बेड देखिए कितना सिंपल बेड है बिल्कुल। हम छोटे छोटे थे दोस्तों जब यही सोचते थे कि प्रधानमंत्री का तो सब कुछ बहुत ही स्पेशल होता होगा, लेकिन ये देखिए ये उनका ड्राइंग रूम है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी। यहाँ पर मीटिंग वगैरह होती थी, जो भी गेस्ट आते थे। ये यहाँ फ्लावर पॉट रखा हुआ है, सामने दीवार पर तस्वीर है, और एक सोफ़ा सेट यहाँ पर है, और आप देख सकते हैं एक ही साइड में है जो ग्रीन कलर का है, और ये बिल्कुल सूती कपड़े का, कपड़े के अंदर जो है सूती जो निकले हुए होते हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे हाथ का बना हुआ सूती कपड़ा होता है बिल्कुल। ये इस तरह से चार सोफ़ा सेट लगे हुए हैं, इनमें जैसे कोई गेस्ट वगैरह आता था मीटिंग के लिए तो वो यहीं पर अपने घर के पास में ही जो रूम है उसमें बड़ा सा हॉल उसके अंदर मीटिंग करती थी। दोस्तों इस तरह उनका सामान देखकर मन एकदम से भावुक हो उठा। एक एक करके उनके जो कमरे देखे, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी साड़ी और पास में बैग रखा हुआ है, और ये उनकी सैंडल, ये वही साड़ी है दोस्तों जिस दिन उन पर अटैक किया गया था। बताते हैं उस दिन सुबह उनके जो डॉक्टर माथुर थे वो उनके चेकअप के, रूटीन चेकअप के लिए आए हुए थे, और सुबह उठते ही दोस्तों हैं योगा भी करती थी। ये उनका डाइनिंग रूम, यहाँ पर बैठकर वो खाना खाते हुए अपने पुराने टाइम की बातें अपने बच्चों को बताया करती थी, जो अक्सर हर माँ बाप अपने बच्चों को अपने पुराने टाइम की बातें बताते हैं, लेकिन बच्चे हैं कि सुनने को तैयार ही नहीं होते पुरानी बातें। घर के बाहर इस तरह के पार्क हैं जिनमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी सुबह के टाइम टहलती थी अखबार पढ़ते हुए, और इसी तरह के पार्क हैं आसपास में दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर मोर भी दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों सुबह 9:15 बजे के करीब इसी रास्ते से श्रीमती इंदिरा गांधी जी यहाँ से निकली, और अपने घर के पास में ही जो दफ्तर है वहाँ पर उन्हें जाना था, फिर उसके बाद उन्हें एक इंटरव्यू में जाना था। यहाँ से वह निकलकर कुछ कदम आगे यहाँ से बड़ी ही थी, ये रास्ता देख रहे हैं दोस्तों, ये करीब 30-40 मीटर का ये रास्ता है, वो जो सामने गेट है वहीं तक उनके आखिरी कदम चले थे। और दोस्तों ये कांच का बना हुआ है, ये प्लेट कांच की लगा रखी है, पूरे रास्ते को उनके कदमों को ढक के रखा हुआ है। ये बलिदान स्थल की ओर इस तरह से यह बोर्ड लगा हुआ था, इसे दोस्तों आप कैप्चर करके पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों 31 अक्टूबर 1984 को यहाँ पर उनके आखिरी कदम थे, जहाँ बेअंत सिंह और उनके साथी ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियाँ चलाकर उन पर बहुत ही बुरी तरह से हमला कर दिया था।
किसी को अंदाज़ा तक नहीं था कि इस तरह की घटना यहाँ पर घटेगी। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा रास्ता यहाँ से बंद कर दिया गया है और कांच से पूरी तरह से ढक दिया गया है। दोस्तों, उनको इतनी गोलियाँ पेट में मारी गई कि डॉक्टर को उनका लीवर तक नहीं मिला था, ऐसा मैंने एक न्यूज़ में सुना था। जैसे ही वह सुबह 9 बजे के आसपास घर से निकली तो जो सुरक्षाकर्मी था वो इस तरह से, दोस्तों, यहाँ से अपने घर से निकलकर पास के ही दफ्तर में जा रही थी। उसके बाद उन्हें किसी इंटरव्यू में जाना था। जैसे ही इंदिरा गांधी जी अपने निवास से निकलकर उस रास्ते पर आई तो सामने से सुरक्षाकर्मी आया। वो सुबह के टाइम आकर श्रीमती इंदिरा गांधी जी को नमस्ते करता था, तो उस दिन उन्हें लगा वो नमस्ते करेगा, तो इंदिरा गांधी जी ने पहले ही उनको नमस्ते करके उनके नमस्ते लेने के लिए हाथ उठाए। हाथ सामने से सुरक्षाकर्मी ने भी उठाए, लेकिन उनके हाथ में पिस्तौल थी और पिस्तौल की जो टारगेट था वो इंदिरा गांधी जी की तरफ था। उन्होंने कहा, यह क्या कर रहे हो, और इतनी देर में उन्होंने उन पर गोलियां बरसा दी। फिर उनका साथी आया तो उन्होंने उसको भी कहा कि क्या देख रहा है बे, आगे बढ़ और चला पिस्तौल। तो उन्होंने इतनी ज़्यादा फायरिंग उनके ऊपर की कि बस मैं क्या बताऊँ। दोस्तों, देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी व श्री राजीव गांधी की शहादत को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। दोस्तों, बोलने में अगर कहीं कोई चूक हुई हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। आज का ब्लॉग करते हैं यहीं समाप्त। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। जय भारत, जय हिंद।